गांगुली जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आप सब के सामने मुझे सम्मान मिला, और दुर्गा माँ के सामने, दुर्गा माँ की अक्सर मुझे भी लोग, जब मैं गाना गाता हूँ ना, तो लोग मुझे दुर्गा बोलते हैं। जब भी गाता हूँ लोग बोलते हैं दुर्गा, इधर मत गा, नजदीक मत गा, दुर्गा। जान साहब को देख के मेरे फेवरेट प्लेबैक सिंगर कुमार सानू साहब की याद आ गई। आपको पता ही है कि ये जिसकी जान है उनका नाम कुमार सानू है, जो हिंदुस्तान की शान है। मैंने आज तो आके बहुत अच्छा लगा। आज मेरा शौकित नहीं है, मैंने शूर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ओछा सिंगर को शूर का जरूरत नहीं होता है, वो आप सबके साथ में भी गा सकता है, उसमें म्यूजिक का ट्रक का जरूरत नहीं है, टेम्पो का जरूरत नहीं है, वो गा सकता है सुनील हमारा। अभी EMI के चक्कर में, अभी आपको पता है हम लॉकडाउन में सब काम धंधे बंद हो गए थे, है ना, सबका प्रॉब्लम हो गया था। एक फोन तो मुझे भी आया सम्राट का, सुनील मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकता है, अगले हफ्ते लौटा दूंगा। मैं आपको क्या जरूरत है, बहुत जरूरत है 5,000 की, मेरे पास 1 रुपया नहीं। कौन बोल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यही हाल था। तो EMI के लिए आप सबको पता ही होगा बड़ा बुरा हाल था। ऐसे में रिकवरी एजेंट दरवाजे पे आके शब्द के गाने में कहते हैं, मेरे घर पे आ गए, कहते हैं तेरे घर पर सर हम चले आए, EMI नहीं आया तो हम चले आए। मैंने कहा मेरे पास तो शायद चांस कम है, आजू बाजू कहीं और ट्राई कर लो मोहल्ले में, बिन तेरे कोई आस भी ना रही। कहाँ कहाँ गए थे, कितना भटके के प्यास भी ना रही। तो आपको क्या लगता मेरे पास मिल जाएगा, लेके अपना भरम चले आए। शब्दों का गाना आपने सुना होगा, फिल्म दिल है के मानता नहीं है, उसमें हीरो जो है हीरोइन को क्या कह रहा है, गाना सुनो। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो मैंने हीरो को कहा एड़े जब तुझे कंफर्म है तू प्यार है किसी और का, उसे चाहता कोई और है, तो तू टाइम पास भी कर रहा है। नहीं दादा, हीरो बंगाली का नहीं दादा, लड़की का चक्कर है क्या, अब पता चला लड़की के बहुत सारे चक्कर है। गाने में सुनिए, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। बहन कितने और है। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, सॉरी एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, माँ से, दुर्गा माँ के सामने मुझे मेरी माँ की याद आ गई, और हम हर माँ को सलाम करते हैं। माँ तू मेरी दुनिया है, मैंने माँ से कहा, सम्राट दा, माँ तू मेरी दुनिया है। तो माँ कहती अच्छा, अगर मैं तेरी दुनिया हूं तो परसों उससे क्या कह रहा था, उससे मतलब किससे, हाँ अगर मैं तेरी दुनिया हूं तो परसों उससे क्या कह रहा था, मैं दुनिया बुला ये तो कमाल है। तो हमारे घर में ये सब चीज़ें होती रहती है, मेरा वक्त बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी छोटा सा पैरोडी कर दूंगा आपके सामने, और वो ये है कि आजकल के नौजवान लड़के जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए, लड़कियाँ देखती नहीं कि क्या है क्या नहीं, इतना ऑर्डर कर देती है, उस लड़की को कहता मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर बना रही, एक्स्ट्रा ऑर्डर इतना ऑर्डर कर देती है, लड़का परेशान बेचारा, जैसे बिल आता है लड़की कहती है भूखी सूख गया है, तो गाने में कहता है मुँह सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो, चलो मिल दे दो, दिया जाए ना जाए ना जाए। फिर वेटर को कहता है कोरे लड़के तू मुझे बतला, क्या साहब बर्तन धो की जगह दिखला, तो बाद में दिखाओ मेरे तुम पियो, पिया जाए ना जाए। ये सब गाने होते रहते हैं और हम लोग इसको एंजॉय करते रहे। जैसे मेरी शादी के कई दिनों के बाद मुझे शादी का एल्बम मिला,
पत्नी छुपा कर कहीं पे कई तरह का शादी का एल्बम मुझे मिला, तो मैं दूल्हा दूल्हा बना था साथ में पत्नी बाजू में, और पीछे मेरे दोस्त बड़े खुश खड़े होते, तो मैं दोस्तों को देखे गाना गा रहा था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया अगले पन्ने में माँ बाप उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अब अमित दा का जब मैं जिक्र करता हूँ तो अमित दा का गाना मुझे बड़ा याद आता है, ये जमीन गा रही है आसमान गा रहा है साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये जमीन गा रही आसमान गा रहा साथ मेरे सारा जहां गा रहा है, तो एड़े सुन कौन रहे सब गाने पे सी राजेश खन्ना साहब का गाना सुना होगा आपने, ओ मेरे दिल के चैन। इस गाने में खन्ना साहब ने एक ऐसी लाइन गा दी हिरुन के सामने, हिरुन सुनती बेहोश, लाइन ये थी, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए एक बार मैं बंगाल में गया था और वो लाड़ में आ गया था शो में, मैंने कहा फिर असल में पाल तो मैं भी बंगाली हूँ, तो शोभा दीदी की दादी ऊपर आ गई, मौका जल्दी प्रूव करो कि तुम हो बंगाली, नहीं तो तुमको चले आई बैंड गाली, बोलो तुम किसे पागल लगता है दीदी दादी मेरा सरनेम पाल है ना, बुढ़ी पापा पाल से तुम पागल हो गए, मैं तो खड़ा बेटा तुम्हें साउथ का लगता है एक छिला तो तुम्हें साउथ का लगता है, मैंने कहा शुक्रिया आपकी तो समझा साउथ अफ्रीका का बंगाली मुंह पे सच बोल देते और सच बोलने की ताकत बंगाली के अंदर होती है, इसलिए बंगाली के हर पुरुष को टाइगर कहते हैं। हमें बिल लड़ाई नहीं, हमें जल लड़ाई नहीं, हमें एक छोप लड़ाई छोपी, हमें पटा के स्टू मौत मार करे लाश पर विश्व शाने उससे बड़ी भाईशाक थैंक यू मच बहुत शुक्रिया आपने सब प्यार से बोले सुना हाँ मेरी पत्नी फिल्म लेकर आई, उनका नाम था रांझना, रांझना फिल्म लेकर पत्नी आई कहती है मेरी प्यारी रांझना, मेरे आगे तो बोल बर्तन सारे मांझना थैंक यू सुनील जी आप तो हंसने की दवा होगा क्या करें अभी देर इज टाइमलेस सो